कांग्रेस नेता एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दिग्विजय सिंह बीजेपी के दो प्रवक्ताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस देने जा रहे हैं। दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की आत्मकथा लेट मी से इट नाउ किताब में 26/11 मुंबई आतंकी हमले को लेकर कई खुलासे हुए। किताब आने के बाद बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को ISI एजेंट बता दिया था। इसके बाद दिग्विजय सिंह मानहानि का नोटिस देने की बात कह रहे हैं। नरसिम्हन और अमित मालवीय दोनों प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैं ISI से मिला हुआ हूं और मैं उनका मोल हूं, मतलब उनका मैं उनको सूचना देता हूं। तो मुझे उनसे इतना ही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह यदि ऐसा है तो बहुत ही निकम्मे हैं, जो कि दिग्विजय सिंह राज्यसभा का मेंबर होने के नाते अगर पाकिस्तान की ISI एजेंसी के संबंध रखता है तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मुझ पर केस क्यों नहीं लगाया। मैं दोनों के खिलाफ उन्हें मानहानि के दावे का नोटिस दे रहा हूं। आपको बता दें कि इस किताब के आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता GVL नरसिम्हा ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेताओं के तार ISI एजेंट से जुड़े होने की बात कही थी। 11 के टेरर के लिए क्या ISI को कोई भारत से कोई हैंडलर हेल्प कर रहा था? इनको हिंदू आइडेंटिटी देने के लिए, इस प्रकार के तर्क देने के लिए क्या दिग्विजय सिंह उस ISI हैंडलर के रूप में काम कर रहे थे क्या? मैं बहुत गंभीरता से बहुत सीरियस आरोप लगा रहा हूं। मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, क्योंकि उस समय हर आतंक को, हर आतंकी घटना को हिंदू आतंकवाद कहने वाले दिग्विजय सिंह क्या उनके केवल प्रवक्ता के रूप में यहां बोलते थे या कोई एलईटी हैंडलर के रूप में दिग्विजय सिंह ने यह काम किया है? तो इसका हम जवाब चाहेंगे। कांग्रेस चुप नहीं रह सकती है। कांग्रेस के उस समय के बयान और ISI एलईटी की ये स्ट्रेटजी, इससे साफ पता चलता है ये कहीं ना कहीं ये हिंदू आतंकवाद, ये भारत को और हिंदू समाज को बदनाम करने वाली एक जॉइंट प्रोजेक्ट थी, भारत में कांग्रेस और पाकिस्तान में ISI। ये बहुत गंभीर आरोप है, इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको बता दें कि बुधवार को राकेश मारिया की आत्मकथा लेट मी से इट नाउ किताब में कई खुलासे हुए। इस पर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इस किताब का हवाला देकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।